ये चुनू परी ले पैलेस ले भाई एक फनी सीन हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो कल शाम को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 8 बज गए थे आते हुए। बड़ा टफ रास्ता था, 5 तक तो मतलब बस हो गई थी, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, कुछ है वो आप लोग देख चुके होंगे। एंड उसके बाद 5 के बाद क्या मक्खन रोड थी यार, मज़ा आ गया। तांगलांग लांग पे स्नोफॉल भी मिला थोड़ा बहुत, बट उसके बाद हमने खींचा क्योंकि कोशिश थी कि रात होने से पहले पहले होटल पहुँच जाएँ। तो ठीक है, 8 बजे पहुँच गए थे होटल में, चेक इन किया, रेस्ट किया, उसके बाद तो भाई सो गए। कुछ करने की हिम्मत नहीं थी और बहुत ज़्यादा थके थे। काफ़ी तरह का वेदर मिला रास्ते में, गर्मी बहुत लगी जब ऑफ रोडिंग चल रही थी। उसके बाद तांगलांग लांग पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, विंटर लाइनर्स वगैरह पहनने पड़े। वापस होटल आए, यहाँ पे ठीक ठाक से टेम्परेचर है, इतनी ठंड नहीं है, वेदर अच्छा है। तो यहाँ हमने होटल लिया है एंटलोप होटल, अनाउंस नहीं कर पा रहा, चलो ठीक है समझ लो, अच्छा होटल है। यहाँ से मार्केट भी नज़दीक है और शांति स्तूपा, ले पैलेस सब कुछ यहाँ से नज़दीक पड़ता है। 2000 रुपीज़ चार्ज किए हैं उन्होंने विदाउट एनी फूड, मील कोई इंक्लूड नहीं है। तो रात को तो कुछ खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट किया, अभी उठे हैं, तैयार हो रहे हैं, अभी मॉल रोड जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, एक दो इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद फिर प्लान करेंगे आगे का। बट यहाँ पे चिल हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ये अच्छा होटल है यार, अच्छी लोकेशन है। बाकी देखते हैं, मॉल रोड पे चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो चलो। शांति स्तूपा यहाँ से दिखता नहीं है तो वो नहीं कैप्चर कर पाऊंगा, बट ऑसम। वो सामने गुरुद्वारा साहब है, साथ में मस्जिद भी है, मतलब ऑसम यार, ये व्यू देखो। यहाँ से थोड़ी दूरी नीचे उतर के 10 मिनट में मॉल रोड है, अभी वहीं जा रहे हैं, और ऑसम यार, मज़ा आ रहा है। वो नीचे अपना हिमालयन खड़ा है, आज धुलवाने की सोच रहा था, बट मैं सोच रहा हूँ कि वापसी में ही धुलवाऊँगा। चेन लूप कर दी थी, चेन टाइट कराने की ज़रूरत नहीं है, चेक कर ली थी। तो पेंगोंग से जब वापस आएंगे तब इसको वॉश शायद कराऊं, नहीं तो फिर आगे कहीं देखेंगे। बट अच्छा है यार, मस्त व्यू है, एंजॉय करो। वो ऊपर शांति स्तूपा है, जूम करता हूँ आपको। हाँ बोरा, आज का प्लान नहीं है, पहले पेंगोंग जाएंगे, उसके बाद वापसी में विज़िट करेंगे। ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना, कल भी राइड कर्नुपरा जाना है, उसके बाद परसों पेंगोंग, तो ज़्यादा एग्जर्शन नहीं कर सकता आज, परसों वापसी में देखेंगे। तो चलो अब ले मार्केट चलते हैं, फ़न करते हैं। तो अभी जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, ये बेकर स्ट्रीट है, मतलब सारे बेकर्स हैं, खमीरी रोटी बंस पता नहीं क्या क्या बन रहा है, बढ़िया जगह है, सारी बेकरीज हैं। डॉगी भाई सो रहा है, सो जा भाई सो जा। बेकरीज
हल्का सा एग्जर्शन हो रहा है, इट्स ओके। गुरुदेव साहब पेट देखो सही है। शॉर्टकट है, हार्डली 4 to 5 minutes का वॉक है। मुझे लगा खालसा ढाबा है, लासा ढाबा है। कम इसको बोल दे जो अभी गया। ये आ गए माल रोड पे। माल रोड चलाएगा साइकिल राइड के मजे हो रहे हैं। नहीं चढ़ेगा ये जामा मस्जिद। ये मेन मॉल रोड आ गई है। रोड ठीक ठाक है, दोपहर में आए थे इतना नहीं था। तो फन हो रहा है साइकिलों पे, इंजॉय कर रहे हैं। वेदर थोड़ा गर्म है, इतना ठंडा नहीं है, बट ओके है। भाई एक फनी सीन हो गया, मैं कहता यार बेल्ट नहीं कैरी कर रहा था, जीन्स पहन ली है, बट वो बार बार नीचे स्लाइड बड़ा एम्बैरसिंग है यार। बट उस मैंने 3-4 दुकानों से पूछ भी लिया, यहाँ पे किसी को बेल्ट नहीं है, बट ट्राई करता हूँ बेल्ट मिल जाए तो, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगी यार। कैसे बताने यार, चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। छोटी छोटी चीज़ें प्लान नहीं करी जाती, हो जाती हैं, बट चलो मॉल रोड एंजॉय करते हैं। अभी चल रहा है, कोई कॉफ़ी पीनेंगे, कॉफ़ी पीने की जगह ढूंढ रहा हूँ, सेट कर लूँगा थोड़ा, कॉफ़ी पियेंगे फिर डिनर का सोचेंगे कुछ। बढ़िया चिल हो रहा है, सुबह मॉर्निंग बुकिंग हो गई है, नूबरा के लिए निकल रहे हैं। अंदर में होटल हिमालयन इको स्टे करके कुछ है, वो बुक किया है, तो देखते हैं वहाँ जाके कैसा है क्या है, आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो अभी मैं चिल मारता हूँ, तो आप लोग भी व्यू के साथ चिल मारो, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं ये मॉल रोड लेके
इधर फुल बीजेपी आ गई है। ये मस्जिद है और एक वो सामने मस्जिद बन रही है, गुरुद्वारा साहब भी है, थोड़ा आगे है। दिखाता हूँ आप लोगों को, इस चीज़ ने मेरे को इम्प्रेस किया। गोम्पा भी है यहाँ पे। तो ये यार गुरुद्वारा साहब नहीं है, धर्मशाला है गुरुद्वारा साहब की, स्टे कर सकते हो शायद, मैंने अभी पता नहीं किया बट आई गेस यहाँ स्टे किया जा सकता है। और बाकी तो यार मौसम क्या अच्छा लग रहा है इस टाइम ना, वेदर प्लेजेंट हो गया। और लंबी मॉल रोड रश है पूरा जैसे आप देख रहे हो, बट मास्क पहने हुए हैं सब ने। बढ़िया यार, बैठ नहीं लिया मैंने अभी भी, पेंट को बार बार ऊपर कर रहा हूँ, फनी हो रहा है।